पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। इतनी बड़ी कंपनी आपकी, सिर्फ 25,000 रुपए के लिए थोड़ी ना नौकरी से निकालेंगे। निकाल ही देंगे वैनी, मेरा बॉस यही सोचेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, सच नहीं। वो सोचेगा कि मैंने पैसे खा लिए। एक मिनट, ऐसा क्यों सोचेंगे वो? क्योंकि मैंने ही उसको ऐसा सोचने के लिए रीजन दिया। मतलब? दो दिन पहले मेरी उससे पैसों को लेके बहस हुई थी। Yeah, Steve, about the consignment you sent me, it's actually perfect. क्यों? मैंने बेल तो नहीं बजाई। हुआ? सर, बात करनी थी। ये जो मुझे पिछले महीने का ओवरटाइम का चेक मिला है, ये इसमें गड़बड़ है। अकाउंट्स में बात करो। मैं अकाउंट्स में गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि आपसे आके बात करने को, इसलिए मैं इधर आया। स्टीव, आई विल कॉल यू इन 5 मिनट्स। ये देख। सब सही तो? कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी सर। मैंने ओवरटाइम 16 दिन किया है और मुझे पेमेंट सिर्फ 8 दिन का मिला है। वागले, इसमें साफ साफ दिखा है कि तुमने 16 दिन नहीं 8 दिन ओवरटाइम किया था। मेरे पास लिखा हुआ है, ये देखिए। मिस्टर वागले, ओवरटाइम के पैसे कंपनी के फाइल्स की एंट्री देख कर दिए जाते हैं, स्टेशन से खरीदी तुम्हारी ये डायरी देख कर नहीं। अरे पर सर, मेरे पास क्या लिखा है? पढ़ो पढ़ो। The boss is always right. जाओ अपना काम करो। या स्टीव, अब तू बता मेरे भाई, पैसों से लेके इतनी झिझक होने के बाद में वो मेरा यकीन करेगा? उसे यही लगेगा ना कि मैं नाटक कर रहा हूं, मैं पूरा पैसा खा गया। मैं अगर झूठ नहीं बोलता तो क्या करता? पर आपको मेरा झूठ बोलना भी हजम नहीं हो रहा है ना। तो एक काम करते हैं, मैं कल सुबह जाके बॉस के सामने सब सच सच बोल देता हूँ। बस मनोज, शांति से एक बार फिर से सोच ले। हा? मैंने सब सोच लिया है। इनको लगता है ना कि जो बोएगा वही पाएगा, तो ठीक है, मैंने गलती की है, जो भी सजा मिलेगी मैं भुगतूंगा। दादा, मैं क्या कह रहा हूं कि मैं पैसे देता हूं, बैंक पे डिपॉजिट कर दो और तुम्हारे बॉस को बताने की जरूरत नहीं है, बात खत्म। हाँ। राजू, मुझे तेरे पैसे नहीं लेने। क्यों? अगर आप राजेश भैया से पैसे नहीं ले सकते तो हर्षद से ले लीजिए। नहीं ज्योति बहनी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं और दक्कू भी मदद कर सकते हैं आपको। मनोज, मैं तुम्हें पैसे दूंगी, तुझे मुझसे पैसे लेने ही पड़ेंगे, समझा? मनोज, तू अभी अभी कह रहा था ना कि कलयुग में अच्छे इंसान नहीं है। देख रहा है कितनी अच्छाई है इस घर में, इस कमरे में। अच्छाई है विद्या, अच्छाई है, लेकिन मैं इस अच्छाई के लायक ही नहीं। अरे, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता अगर मैं ये पैसे उधार लेता हूं तो मैं इसे कब और कैसे चुका पाऊंगा। अरे, जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे तब चुकाना, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ। इसलिए मैं तुम लोगों से पैसे लेना नहीं चाहता। उधार देने वाला इंसान ब्याज लेता है, किस्त न मिलने पे घर के सामने आके खड़ा भी रहता है। तुम लोग नहीं करोगे ना, क्योंकि मैं तुम लोगों का अपना हूं। तुम लोगों को लग रहा है तुम मेरी मदद कर रहे हो, लेकिन तुम लोग मेरी आदत बिगाड़ रहे हो। यार, जब सर को ऊंचा रखना होता है ना तो सर पे हमेशा तलवार लटकनी चाहिए। बस तेरा, मैं कल सुबह जाके बॉस के सामने सब कुछ सच सच बोल दूंगा, फिर चाहे जो देखा जाए। हाँ, आपको जरूर तकलीफ होगी। मनोज खुददार नहीं है, ये ताना नहीं मार पाओगे आप। चलता हूं। फिर हुआ क्या, पैसे मिले? कल तो नहीं मिले, एंड आई डोंट थिंक अब मिलेंगे भी। ऐसा क्यों कह रही हो सखी? तो और क्या कहूं, मतलब एक ऐसा एनवेलप जिसके ऊपर ना कोई नाम है ना एड्रेस है, तो कैसे मिलेगा?
और अगर वो एनवेलप मिला भी तो उसके अंदर के पैसे तो नहीं मिलेंगे। चांसेस तो कम है, ऑलमोस्ट जीरो। कुछ तो करना पड़ेगा सखी। सखी वो सब जगहों पे फिजिकली जाने से कुछ नहीं होने वाला। तो मॉडर्न प्रॉब्लम्स रिक्वायर मॉडर्न सॉल्यूशन सखी। जर्नलिस्ट सखी वागले, टाइम फॉर सम एक्शन। एक्शन दादा, एक मिनट। अरे मुंह मीठा करो। किस खुशी में? एक मिनट दिलीप। ये लीजिए मनोज, ये इनवॉल्व पूरे 25,000 रुपए, गिन लीजिए। ये मुझे विश्वास नहीं हो रहा, ये कहां से मिले? बता दो, बता दो। आशा को पता चला कि तुम्हारे 25,000 गायब हो गए, तो आशा को लगा कि शायद किसी रिक्शा में छूट गए हो, तो उसने दिलीप को बताया। और मैंने मेरे सारे पहचान वाले रिक्शा वालों को बोल दिया कि किसी को भी पैसे से भरा हुआ लिफाफा मिले तो वो तुरंत मेरे को लाके दे, और यूनियन में मैंने ये बात फैला दी। फिर क्या था, जिस रिक्शा में आप बैठे थे उस रिक्शा वाला ने खुद मुझे ये ला कर दिया। दिलीप? अरे तुझे पता नहीं है दिलीप ने मुझे किस मुसीबत से बचा लिया। ये पैसे मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं है यार। देखा दादा, मतलब हो सकता था कि उस रिक्शा वाले को इन पैसों की जरूरत हो, चाहता तो वो ये बात छुपाता, लेकिन उसने ईमानदारी दिखाई और ये पैसे लौटाए। आज भी अच्छे लोग हैं दुनिया में दादा, है ना, ये चमत्कार उसी का तो सबूत है। सही बोलते हैं मनोज भाऊ, राजेश भाऊ, अभी मैं निकलता हूँ, मेरे को जाना पड़ेगा। थैंक यू दिलीप। यार राजू, मतलब अच्छा नहीं, एक काम करो, ये पकड़ो, पैसे भी है, मिठाई भी है, तुम ऑफिस भागो, मैं भी ऑफिस जा रहा हूं। ओके, मुझे बैग लेनी है। सुन दो, अरे हेलो। हेलो मनोज वागले बोल रहा हूँ। आपके 25,000 रुपए खो गए थे ना? हाँ। वो पैसे मुझे मिले हैं। प्लीज अगर आपको ऐसा कोई एनवेलप मिले तो प्लीज कांटेक्ट कीजिए। याद रहे कि ये एक कॉमन मैन की नौकरी का सवाल है, तो अगर आपको कोई जानकारी मिले तो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। बाल टाल दी। ऐसा बोला? फिर तो पक्का नौकरी गई। तू कुछ अच्छा बोल ही नहीं सकता ना मंगेश। छोड़ ना उसे, तू ना फिकर मत कर। अभी सखी ने अपील किया है ना इंटरनेट पे, हा? तो अगर भला आदमी होगा और उसे पैसे मिले होंगे ना तो जरूर वापस करेगा। हा? किसी भले आदमी को मिला होगा तब ना, आज की डेट में फ्री का हुआ पैसा कौन वापस करता है? लो, आ गया भला आदमी। क्या हुआ मनोज, मिले पैसे? तू टेंशन मत ले मनोज, ये देख मैंने ना न्यूज़पेपर में तेरे लिए 3-4 अलग अलग नौकरियां शॉर्टलिस्ट करके रखी है। एक को पेंटर चाहिए और एक को तो फुल टाइम ड्राइवर की नौकरी चाहिए। मंगेश रख वो पेपर नीचे, रख। नहीं नहीं विद्या, ढूंढने दे उसको जॉब, कोई बात नहीं। इनफैक्ट मंगेश, अगर कोई जॉब तुझे पसंद आए तो तू ज्वाइन भी कर लेना, क्योंकि मेरी नौकरी तो बच गई है। मतलब पैसे वापस मिल गए हैं। क्या राजू ने बताया नहीं तुम लोगों को? नहीं ऐसी कोई बात तो नहीं हुई, पर मिल गए ना पैसे, थैंक गॉड। देखा विद्या, मैंने कहा ना चमत्कार होते हैं, आज भी भले लोग हैं। मम्मी चमत्कार ये नहीं है कि पैसे वापस मिल गए, चमत्कार ये है कि खोए थे 25,000 और मिले हैं 50,000। क्या?
क्या? कैसे? बताता हूँ, बताता हूँ। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।